अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो, इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सिर्फ एक बात जो मैंने बताई है, कौन सी? सिर्फ एक बात कि जिंदगी में कैसे भी दिन आ जाए, जिंदगी में कैसे भी परेशानियां आ जाए, जिंदगी में भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। नहीं, मुझे करना है, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, एक वक्त की बात है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब था, जी हाँ, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया और आज जो है मैं अमीर हूँ। बस यही बात आपको समझानी है, यही बात आपको बतानी है, जी हाँ, कि आप भी कैसे अमीर इंसान बन सकते हैं, आप भी कैसे जो है पैसे वाला बन सकते हैं, और आप भी जो है बेरोजगारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मजदूरी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और जो परेशानियाँ हैं घर में, घर के खर्चे और स्कूल की बच्चों की फीस और दुनिया भर की जो ये टेंशन है, इस टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हो जैसे मैं हुआ। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बस एक काम बताऊंगा, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, और इधर उधर की बात तो मुझे करना आता ही नहीं है। मैं जो भी बताता हूं बस सच बताता हूं, हकीकत बताता हूं, और मेरे उन बेरोजगार भाइयों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो है घर की गृहस्थी जो है चल नहीं पाती। बहुत से भाइयों पे तो कर्जा हो जाता है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि गरीबी क्या होती है। मैंने जो है गरीबी को बड़ी बारीकी से देखा, जी हां। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं अमीर बना और आपको भी कैसे अमीर बनना है, ठीक है? तो सारी जो है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तसल्ली के साथ जो है, शांति के साथ जो है दोस्तों आपको मेरी बात को सुनना है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं। अगर आपको यकीन ना है दोस्तों, तो आप मेरी यूट्यूब की जो प्रोफाइल है वहां जाके देख लीजिए, सारी जो मैंने वीडियो बना रखी है, सिर्फ मैंने सीमेंट की ईंट बनाने की या फिर कैसे रोजगार शुरू हो लोगों का, सिर्फ इसके ऊपर बना रखी है। बहुत हमारे भाई है जो मेरी फैक्ट्री में आए हैं, मुझसे मुलाकात हुई है, दिल्ली मायापुरी में मेरी फैक्ट्री है। बस मेरा उद्देश्य यही होता है, सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। बस आपको जो है इस एक बात को जो है अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद जो है हो सकता है भगवान अल्लाह ताला आपकी किस्मत को बदल दे। तो दोस्तों देखो, नंबर एक आपको क्या करना, बस ये एक ही नंबर है और कोई ज्यादा नंबर नहीं है इस वीडियो में। एक बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। देखो मैं पहले अपनी बता देता हूँ छोटी सी, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई करी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं खूब धक्के खाता रहा, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, गाँव में लाइट भी नहीं आती थी दोस्तों, लालटेन वगैरह जो है दिया वगैरह जलाकर तो मैंने पढ़ाई की थी। रात भर पढ़ाई करता था, कभी 4 बजे सोता था सुबह के, कभी 5 बजे सोता था, सिर्फ यही मकसद था कि कैसे भी करके मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए और जो है मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं या कोई सरकारी अफसर बन जाऊं। टोटल मिलाकर दोस्तों बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ठीक है। अब मेरा हो गया दिमाग खराब कि यार इतनी पढ़ाई की, लाइट भी नहीं आती थी, तो इतना रातों में जग जग के पढ़ाई की, इसके बावजूद भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। बहुत से ऐसे भाई जरूर होंगे जिनके साथ बिल्कुल सेम टू सेम हुआ होगा जैसे मेरे साथ हुआ है, जिन्होंने पढ़ाई की लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मेरा हो गया जी मूड खराब बहुत ज्यादा कि आखिर में करें तो करें क्या यार, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई, ठीक है। और जो है हमारे फादर जो ठेकेदारी करते थे, जैसे मार्बल वगैरह लगाते हैं ना, टाइल्स वगैरह घर में जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसका काम करते थे, वो जो है दिल्ली रहते थे दोस्तों, हम गाँव में रहते थे, लेकिन दोस्तों वही चिंता खाई जा रही थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली आखिर में करें तो करें क्या। लेकिन दोस्तों मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ मैं यही सोचता था दिनों रात कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अगर नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों फिर जो है मैंने हिम्मत बांधी और मैंने खुद को समझाया कि नहीं समीर, तुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करना है। जी हाँ, उसके बाद जो है मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद 1 साल तक तो मुझे कोई काम नहीं मिला, बस ऐसी जो है निठल्ला घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर मैंने दिमाग लगाया और अपने फादर से कहा कि पापा एक काम करते हैं कि हम कोई छोटा मोटा बिजनेस ही कर लेते हैं, आप जो ये ठेकेदारी वगैरह करते हो इसमें क्या मिलता है, ठीक है, वैसे भी जो है गरीब है और जिंदगी गरीबी में कट जाएगी, क्या फायदा, एक चांस लेके देखते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों कहते हैं ना, अगर इंसान पढ़ा लिखा है, अगर उसकी नौकरी नहीं लगी लेकिन उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमेशा काम आती है, ऐसा नहीं है, कभी भी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ नहीं जाती। जी हाँ, मेरे अंदर दिमाग था और आगे बढ़ता चला गया और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जो है मैंने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। जी हाँ, कुछ पैसे लगा के, कुछ लाख रुपए लगा के, उसके बाद जो है फिर मैंने मेहनत की, फिर मैंने और मेहनत की, ऐसे मेहनत करते 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 दोस्तों मुझे 5 से 6 साल लगी। 5 से 6 सालों में जो है मेरी तकदीरें बदल गई, किस्मत की लकीरें बदल गई। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो, इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सिर्फ एक बात जो मैंने बताई है, कौन सी? सिर्फ एक बात कि जिंदगी में कैसे भी दिन आ जाए, जिंदगी में कैसे भी परेशानियां आ जाए, जिंदगी में भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। नहीं, मुझे करना है, मुझसे होगा,
होगा, मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब लोग कर सकते हैं, दुनिया कर सकती है, मेरे भाई कर सकते हैं, मेरे रिश्तेदार कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भगवान ने उन्हें भी हाथ दिए, उन्हें भी आंखें दी है, सेम मुझे भी ऐसा ही बनाया है, कोई मुझे उससे तो कम बनाया नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मैं कर सकता हूं। यह हिम्मत जो है आपकी, जो है आपको कामयाब बना देगी। भले ही पैसे ना हो यार, पैसे से कभी बिजनेस नहीं होता, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, पैसे से कभी बिजनेस नहीं होता। ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जो एक रुपए लेकर आए थे शहर में, आज जो है अरबपति है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैनों के मैं आपको नाम बता सकता हूं, पैसे से कभी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है दो चीजों से, एक तो होता है हिम्मत, जो हमारे अंदर हौसला है, वो अगर आपके अंदर है तो आपको बिजनेसमैन बना सकता है, और एक दूसरा रिस्क, रिस्क लेना है जिंदगी में। आज भाइयों जिंदगी गरीबी में तो कट ही रही है, और इससे ज्यादा गरीबी में क्या जिंदगी कटेगी, तो हमें रिस्क लेना है जिंदगी में, कुछ ना कुछ रिस्क लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है, अरे 5,000 रुपए भी बहुत है यार, अगर आप बिजनेस करोगे तो 5,000 रुपए भी बहुत है, और ये 5,000 रुपए आपको 5 करोड़ का मालिक बना सकते हैं एक दिन। लेकिन आपके अंदर हौसला है कि नहीं मुझे करना है, घाटा जाएगा चला जाएगा, अरे मेरे 4-5 हजार रुपए जाएंगे कोई बात नहीं, दुनिया के तो जो है 5-5 करोड़ का नुकसान हो जाता है बिजनेस में, मेरे तो 5,000 रुपए जा रहे हैं यार। उन्हें देखो जो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान करके बैठे, लेकिन फिर भी लगे हुए, नहीं हमें एक ना एक दिन सक्सेस बनना है, और वो सक्सेस हो जाते हैं। जी हाँ, ये है बिजनेस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। सब लोगों की जबान पे बस एक ही वर्ड है, बिजनेस बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए हौसला होना चाहिए। जो मैंने करके दिखाया वो आप करके भी दिखा सकते हो। ये वीडियो मैंने अपनी रियल लाइफ के लिए बनाई है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए। बहुत से मेरे भाई मुझे कॉल करते हैं, समीर भाई यार हमारे पास तो पैसे कम है, 5,000 रुपए में क्या होगा, 10,000 में क्या होगा, वो कुछ ही नहीं कर पाते यार। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैं भी एक गरीब घर का इंसान हूं, जब मैं आज जो है अमीर बन सकता हूं तो आप अमीर नहीं बन सकते। मैं कोई पैदाइशी अमीर नहीं हूं, मैंने खुद अपने वजूद को बनाया। जी हां दोस्तों, मेहनत करी है, उसके बाद जो है फैक्ट्री वगैरह जो है आज सब कुछ है मेरे पास। ये कैसे है, जब मैंने कुछ कराया। अगर आप भी कुछ करोगे ना, एक रुपया लेकर निकल जाओ यार, देखते हैं कैसे आप सक्सेस नहीं होते। भैया पैसे तो आ जाएंगे, काम होना चाहिए ना। पैसे तो आप लोन ले लो, जी हां रिश्तेदारों से ले लो, भैया पैसे तो आप किसी से उधार ले लो 6 महीने के लिए, कहीं ना कहीं से आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास हौसला है, भले ही आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आप एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे। अगर कुछ करने की चाहत आपके अंदर है, पैसा अगर आपने उधार लिया और बिजनेस करा दोस्तों, तो आप 100% कामयाब हो जाओगे। जिससे आपने कर्जा लिया उस कर्जे को भी चुका दोगे। जिन लोगों को काम करने की कोई चाहत ही नहीं है, बिजनेस करने की कोई चाहत ही नहीं है, 10-15 हजार की नौकरी में खुश है, उसी से जिंदगी कट रही है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो बिल्कुल ही निठल्ले घूमते हैं, काम धंधा नहीं उनके पास, सर्दियों में तो जो है 9-9 बजे जो है सो के उठते हैं। भाई साहब उन्हें कोई लेना देना नहीं है, घर का खर्चा चल रहा चलेगा, जब नहीं होगा जबकि जब देखेंगे कर्जा वर्जा मांग लेंगे, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। देखो जिंदगी इसका नाम नहीं है। अगर इस दुनिया में आए हो ना भैया, तो कुछ करके जाओ, कुछ दिखा के जाओ। तो दोस्तों आज मेरी कहानी से आपको जरूर नसीहत मिली होगी, आज आपको जो है बिजनेस करने का हौसला बढ़ेगा, भले ही वो एक छोटा बिजनेस हो, भले ही वो बड़ा बिजनेस हो। तो बिजनेस करना है, करना है, करना है, ठीक है। खाली नहीं घूमना, काम करना है, काम करना है, काम करना है। अगर काम करेंगे, हो सकता है वही छोटा काम हमें अरबपति बना दे कोई टाइम पे। करोगे तभी तो होगा, सोचने से नहीं होता है, बातों से नहीं होता है, काम करने से होता है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ। अपने भाई को इजाजत दीजिए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना दिल से, तो वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, कमेंट में लिखना कि हम भी बिजनेस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।